भारत का एहसान कभी नहीं भूल पाएगा रूस, क्योंकि भारत ने कर दी है इतनी बड़ी मदद कि अमेरिका भी हैरान हो गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के वॉर के चलते अमेरिका और वेस्ट की जितनी भी कंट्रीज है वो लगातार रशिया के ऊपर अलग अलग तरीके से प्रतिबंध और सैंक्शन लगाती आ रही है, और इसी वजह से रशिया को अपने अलग अलग हथियार खरीदने में पैसों की जरूरत पड़ रही थी। लेकिन सैंक्शन की वजह से भारत से यहाँ पर हथियार नहीं खरीदे जा सकते थे, लेकिन भारत ने मदद करने के तौर पर रूस से इतना सारा तेल खरीद लिया कि अमेरिका के होश उड़ गए, और इसी वजह से तेल मार्केट पर अब ब्रिक्स देशों का दबदबा बनने जा रहा है। ब्रिक्स समिट 2024 जब 22 से 24 अक्टूबर तक हुई तो उस समय पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्म दिली से स्वागत किया और उन्हें बहुत बहुत आभार दिया कि रशिया से उन्होंने इतनी बड़ी मात्रा में तेल खरीदा कि रशिया के पास में हथियार जुटाने के लिए पैसों की अब कमी नहीं रह पाई है। ब्रिक्स में तो पहले ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका ही थे, लेकिन पिछले ही साल सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, ईरान और इथियोपिया भी अब सदस्य बन चुके हैं। लेकिन अब देखिए, दुनिया के 9 सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से 6 देश तो ब्रिक्स के ही सदस्य हैं, और इनमें से सऊदी अरब, रूस, चीन और ब्राजील, ईरान सहित यूएई। यानी कि इसका मतलब ये रहेगा कि तेल मार्केट में अब इन सभी 9 देशों का, जो ब्रिक्स का संगठन है, उनका बहुत ही बड़ा दबदबा रहने वाला है, और दुनिया का 40% से ज्यादा तेल ब्रिक्स के ही देशों के द्वारा उत्पादन किया जाएगा, और इसी वजह से अमेरिका बहुत ही बड़े टेंशन में आ चुका है। भारत ने उस समय पर रूस की सबसे ज्यादा मदद करी थी जब अमेरिका ने बहुत सारे प्रतिबंध लगाकर रशिया के सामान को बाहर बेचने से मना कर दिया था और दूसरे देशों को भी रशिया से तेल लेने से मना कर दिया था। लेकिन उसी समय पर भारतीय दिमाग एक बार फिर से चौकन्ना हो जाता है। देखिए, रशिया से तेल खरीदने के लिए भारत ने एक बहुत ही बड़ा वाला जुगाड़ लगा दिया। रशिया ने पहले एक ऐसे देश को यहाँ पर तेल बेचा जिसके ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध नहीं लगाया था, और वहीं से भारत ने तेल खरीद लिया और फिर यहाँ पर उसकी ऑयल रिफाइनिंग की जाने के बाद में क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल और अलग अलग तरीके के तेल का उत्पादन कर दिया, और सीधा यहाँ पर ये फायदा रशिया को मिल गया। अमेरिका ने इस जुगाड़ के बारे में पहले सोचा भी नहीं था, और इससे भारत और रूस दोनों को ही फायदा हो गया। रूस को जहाँ पर एक तरफ पैसों की जरूरत थी, वहीं पर भारत को सस्ती कीमतों पर तेल चाहिए था। दोनों ही देशों का काम हो गया और अमेरिका का प्रतिबंध कहीं पर भी बीच में नहीं आया, और इसी वजह से रूस और भारत की जो मित्रता है वो भी ज्यादा बढ़ गई, और इसी वजह से देखिए अब अमेरिका भी काफी ज्यादा डरा हुआ है, क्योंकि वो जानता है कि ब्रिक्स देश जो है वो धीरे धीरे ही सही लेकिन ताकतवर होते जा रहे हैं। अमेरिका और पश्चिमी देश इसका विरोध तो कर रहे हैं लेकिन इसे तोड़ने की कोशिश नहीं कर पा रहे, और ब्रिक्स देशों में जितने भी सदस्य हैं उन सभी के पास में इतना तेल है कि अमेरिका को एक समय के बाद में दबाया जा सकता है। इसी वजह से अमेरिका यहाँ पर पहले से ही निर्णय कर चुकी है कि G7 का जो ग्रुप है वो यहाँ पर किसी न किसी तरीके से ब्रिक्स के ग्रुप को तोड़ने की कोशिश करेगा, और भारत, चीन और रूस तीन एक तरीके से सुपर पावर है, और अगर तीनों ही मिलकर अमेरिका के सामने खड़े हो जाएंगे तो फिर इनके पास में कोई भी चारा नहीं बचने वाला है। इसी वजह से यूके, लंदन हो या फिर यूरोप, जर्मनी हो, सभी लोगों के दिल में अब एक डर बैठ चुका है कि ब्रिक्स कंट्री आगे जाकर एक बहुत ही बड़ा समूह बनने वाला है, और इसी के चलते भारत और रूस की भी दोस्ती बढ़ रही है, और भारत का ये एहसान रूस कभी नहीं भूलेगा कि जरूरत पड़ने पर तेल खरीदकर भारत ने किस तरीके से रशिया की मदद करी थी। तो दोस्तों, भारत और रूस की इस शानदार दोस्ती के लिए एक लाइक तो बनता ही है।